फ्रेंड, यदि आप भी एक जियो यूजर हैं और आप इन दिनों परेशान हो रहे हैं कि आपने किसी भी अनलिमिटेड प्लान से रिचार्ज करवाया हुआ है और आपका कॉल अदर नेटवर्क पर नहीं लग रहा है, तो फ्रेंड आज मैं बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा रिचार्ज कराना ज़रूरी है और किस रिचार्ज से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से जान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले कॉमेंट में आप जाकर बताइए कि आप जियो के अगर कस्टमर हैं तो आप कौन सा रिचार्ज करवाना पसंद करते हैं। आप 98 का करवाना पसंद करते हैं, 149 का करवाना पसंद करते हैं या फिर 399 का करवाना पसंद करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अधिकतर जियो के कस्टमर को कौन सा प्लान पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। फ्रेंड मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं टेक दल। तो फ्रेंड बता दें आपको कि 10 अक्टूबर से जियो ने एक नया नियम ला दिया है। यहाँ पर अगर आप जियो के कस्टमर हैं और आप किसी भी अनलिमिटेड प्लान से रिचार्ज करवाते हैं तो आप सिर्फ जियो के नंबर पर ही कॉल कर पाएंगे। आपको जियो के अलावा किसी नंबर पर कॉल करने के लिए अलग से रिचार्ज कराना होगा। यानी कि आप एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया पर कॉल करते हैं तो आपको IUC रिचार्ज करवाना होगा। इसीलिए फ्रेंड अगर आपने कोई प्लान लिया होगा तो वहाँ पर +10 करके रिचार्ज किया जाता है। यानी कि अगर आप 149 का रिचार्ज करवा रहे हैं तो आपने 159 का रिचार्ज करवाया होगा, जिसमें कि आपको 124 मिनट मिला होगा, यानी कि 124 मिनट लगभग 2 घंटे। तो फ्रेंड आपका रिचार्ज कराने के बाद आपने अगर अदर नेटवर्क पर बात किया होगा और 124 मिनट आपका ख़त्म हो गया होगा तो आपका कोई भी कॉल अदर नेटवर्क पर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा। आप चाहे तो 10 का करा सकते हैं, 20 का करा सकते हैं, 50 का, 100 का या 500 का या फिर 1000 का कोई भी रिचार्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी अनलिमिटेड प्लान से रिचार्ज करवाए हों, 149, 399, इसके बाद आपका कॉल नहीं लग रहा हो अदर नेटवर्क पर, तो आपको 10, 20, 50, 100 या 500 का रिचार्ज करवाना होगा। उसके बाद आप अदर नेटवर्क पर बात कर पाएंगे। तो फ्रेंड आपको जियो का यह नया IUC रिचार्ज कैसा लगा कमेंट में यह भी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें।